दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैक्सिमम डिमांड और इसके फाइन के बारे में, होने वाले कन्फ्यूजन के बारे में, आपको कब अपना लोड बढ़ा लेना चाहिए। कभी कभी आपको होता है कि आपका बिल में फाइन लग के आ गया, लोड का एक्सेस डिमांड चार्ज लग के आ रहा है, तो क्या आपको फाइन लग रहा है तो लोड बढ़ाना ही चाहिए, या फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर एक बार आपको फाइन लग गया तो आपको हर बार लोड का फाइन लगेगा, या फिर आपके घर में कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है ये बिल में कैसे पता चलता है, या मीटर में कैसे पता चलता है, मीटर को कैसे पता चलता है कि आपका लोड कितना है, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम लोड कितना यूज कर रहे हैं, तो इन सभी कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली कनेक्शन का लोड कैसे बढ़ाते हैं या फिर कैसे घटाते हैं, या फिर आपके बिल में लोड का फाइन लग रहा है तो फाइन कैसे कैलकुलेट होता है, कितना फाइन आपको लगता है, कितना लोड इस्तेमाल करेंगे तो कितना फाइन लगेगा, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, और अपना अगर लोड आपको बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर ये जरूर समझ जाएंगे कि आपको लोड का फाइन मतलब जो भी अमाउंट लगा है वो कैसे लगा है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो ये सारी डिटेल आप इस वीडियो का लिंक में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपके बिल में लोड का फाइन लग के आ रहा है, आपके बिल में एक्सेस डिमांड चार्ज या फिर अधिक के डिमांड पर बार जोड़ के आ रहा है, तो क्या आपको लोड बढ़ा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसका सीधा सीधा आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर है हाँ, कि अगर आपके बिल में लोड का फाइन लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप जितना लोड का कनेक्शन लिए हैं उससे अधिक का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके बिल में उसका फाइन जोड़ के आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके बिल में लोड का फाइन लग गया तो आपको लोड बढ़ा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको ओकेजनली कोई चीज़ के कारण आपके घर में लोड बढ़ गया, जैसे कोई बर्थडे फंक्शन हो गया, इसके वजह से लोड बढ़ गया, या फिर साल भर में एक दो महीने तक आपका लोड बढ़ा हुआ रहता है, बाकी टाइम लोड घटा हुआ रहता है। जैसे कुछ लोग क्या है, महीने में पूरे साल में दो महीने तीन महीने तक एसी यूज करते हैं और उसके बाद पूरे साल तक कोई लोड नहीं रहता, उनके घर में सिर्फ लाइट फैन चलता है, तो ऐसे केस में आपका मैक्सिमम डिमांड चार्ज है जो जब भी गर्मी का महीना आएगा उसमें आपको एक्सेस डिमांड चार्ज लगेगा, तो ऐसे केस में ये चाहे तो लोड नहीं भी बढ़वा सकते हैं। एक दो महीने आप फाइन भर लीजिए, क्योंकि जो भी आपको फाइन लगता है वो आपका फिक्स चार्ज का दोगुना रेट से लगता है, तो अगर आप दो महीने आप एक्सीड कर गए तो दो महीने आप दोगुना रेट से आप पैसा दे दिए, बाकी आपको पूरे 10 महीने तक आपको उसका फायदा है, आपको 10 महीने तक फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप लोड बढ़वा लेंगे, अगर मान लीजिए आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, आप 4 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं 2 महीने, तो ठीक है 2 महीने में आप 4 किलोवाट के बदले में 6 किलोवाट का फिक्स चार्ज आपने दिया, लेकिन बाकी 10 महीने तक आप सिर्फ 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज दे रहे हैं। अगर आप उसको बढ़वा के 4 किलोवाट कर लेते हैं तो बाकी 10 महीने भी आपको 4 किलोवाट का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको नुकसान हो जाता है, मतलब फायदा नहीं होने खोकर के नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप अपना लोड नहीं भी बढ़वा सकते हैं अगर आपका कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल रहता है तो। लेकिन अगर आपका रेगुलर लोड रहता है उस तरह का, जैसे अगर 5 किलोवाट का लोड कनेक्शन है आपका और 7 किलोवाट लोड हमेशा जाता है, कभी 6 जाता है 7 जाता है, तो आपको हर महीने फाइन लग रहा है, तो ऐसे में अगर आप सोचें कि नहीं बढ़ाएं तो आपको नुकसान है, ऐसे केस में आपको हर महीने दोगुने रेट से फिक्स चार्ज लग रहा है, तो आपको ये चीज़ देख लेना चाहिए कि आपका मैक्सिमम डिमांड क्या हमेशा मतलब हर महीने एक्स्ट्रा जाता है या फिर कभी कभी एक्सीड हो जाता है। कभी कभी एक्सीड हो जाता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और अगर हर महीने आपका लोड एक्सीड हो जाता है तो आपको अपना लोड बढ़ा लेना चाहिए, उसमें आपका भलाई है। दूसरा कन्फ्यूजन आता है कि क्या अगर एक बार आपका मैक्सिमम डिमांड अधिक चला गया तो हर महीने आपको लोड का फाइन लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आपका डिस्कशन से आप समझ ही गए होंगे, जब जब आपका मीटर एक्स्ट्रा लोड मेजर करता है, जैसे आपका हर महीने मीटर क्या करता है, आपके लोड का आकलन करता है, कितना मैक्सिमम डिमांड आपने इस्तेमाल किया है, उस मीटर से कितना लोड कनेक्टेड रहता है वो मीटर हमेशा रीड करते रहता है, मतलब आप जो यूज कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन कर रहे हैं वो यूनिट तो मीटर कर ही रहा है, साथ ही मीटर से कितने अप्लायंस कनेक्टेड हैं, एक साथ कितने अप्लायंस कनेक्टेड हैं जो चल रहे हैं, उनका वो लोड एक साथ मेजर करके भी रिकॉर्ड करता है, तो उसमें पूरे महीने में जो मैक्सिमम लोड होता है उसको वो सेव करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका बिल में मैक्सिमम डिमांड चार्ज किया जाता है। तो जिस महीने में आपका मैक्सिमम डिमांड अधिक होगा, अगर 5 किलोवाट कनेक्शन है, आप किसी मंथ 4 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, किसी मंथ 7 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, तो जिस मंथ 7 किलोवाट होगा सिर्फ उसी मंथ का फाइन लगता है। अगले मंथ अगर आपका लोड कम आ गया तो आपका मीटर फिर वो मैक्सिमम डिमांड कम शो करने लगता है। मीटर का जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो हर बार अपने आप ही रिसेट हो जाता है, जैसे ही मंथ चेंज होता है मैक्सिमम डिमांड रिसेट हो जाता है, फिर 0 से स्टार्ट होता है, उस नए मंथ का फिर से वो मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है।
तो हर महीने वो मैक्सिमम डिमांड ऑटो चेंज हो जाता है, और जो भी आपका मीटर इधर आता है या फिर स्मार्ट मीटर के केस में तो ऑटोमेटिक आपका मैक्सिमम डिमांड जो जाता है, तो वो मैक्सिमम डिमांड मतलब पिछले मंथ का जो भी अगर इस महीने बिल बनता है तो पिछले मंथ में मैक्सिमम डिमांड आपका कितना गया है, मैक्सिमम कितना इस्तेमाल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल किया जाता है। दोस्तों मैंने जो भी मीटर से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं मीटर रीडिंग चेक करने का, उसमें सब में मैंने मैक्सिमम डिमांड चेक करना बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि जो भी आपके घर में मीटर लगा हुआ है उस मीटर का रीडिंग कैसे देखते हैं, उसमें मैक्सिमम डिमांड कैसे चेक करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मैक्सिमम डिमांड कितना जा रहा है और आपका मैक्सिमम डिमांड कैसे मेजर होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपका एक बार मैक्सिमम डिमांड का फाइन लग गया तो कोई जरूरी नहीं है हर बार लगेगा, जब जब आप एक्स्ट्रा लोड आप इस्तेमाल करेंगे तब तभी फाइन लगेगा। एक और कंफ्यूजन होता है कि मीटर को कैसे पता चलता है कि हमारा लोड कितना है, तो बस वही है, मीटर वो आपका मेजर करता है कि कितना अप्लायंस कनेक्ट, जो भी मीटर के साथ अप्लायंस कनेक्टेड है वो कितने एक साथ में चल रहा है, जितना भी लोड आप मीटर पर डालेंगे वो मीटर उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करता है। दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि मीटर कौन कौन से लोड आप एक साथ यूज कर रहे हैं उसी को मेजर करता है, अगर आप मीटर से 50 अप्लायंसेज कनेक्ट करके रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ में अगर 10 अप्लायंस चल रहे हैं तो 10 अप्लायंस का ही वो मैक्सिमम डिमांड मेजर करता है। हो सकता है आपके घर में टोटल लोड जोड़ दिया जाए तो 20 किलोवाट का हो जाए, लेकिन आपके घर में जो टोटल एक साथ लोड चलता है वो 10 किलोवाट ही चलता है, तो मैक्सिमम डिमांड मीटर उसको 10 किलोवाट ही मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल में फाइन या जो भी कैलकुलेट होना आता है वो होता है। तो आप अगर चाहें तो मतलब लोड शेयर करके यूज करेंगे तो आपका हो सकता है मैक्सिमम डिमांड कम इस्तेमाल हो, जैसे आपके घर पे 4 एसी है तो आप कभी भी 4 एसी एक साथ ना चलाते हो तो फिर आपको लोड कम जाएगा, जैसे एक एसी एक रूम का एसी चालू हुआ तो फिर दूसरे का बंद है, दूसरे का चल रहा है, तीसरा बंद है, तो इस तरह से आप लोड शेयर करके मतलब अधिक लोड का अप्लायंस रख सकते हैं और कम लोड के कनेक्शन पे चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ कन्फ्यूजन जो अक्सर मैक्सिमम डिमांड के बारे में लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, आपको मन में कन्फ्यूजन ये होते रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।